गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बंगाली मिक्सर। मैं पीयू, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आज फिर से मैं आपके पास बहुत सारी प्रेयर के लिए आ गई हूँ। और मैं आज फिर से मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेयर करूँगी। और थैंक यू सो मच के सारे वीडियोज़ मैं आप प्यार दे रहे हो, इसलिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। तो आज की हम प्रेयर रिक्वेस्ट सारे शुरू करेंगे। तो चलिए आज की प्रेयर हम शुरू करते हैं। तो आज की पहले हम प्रेयर करेंगे पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि ये इंडिया हमारा देश है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा इंडिया महान है, हमारा हिंदुस्तान महान है, हमारा भारत महान है। हम कह सकते हैं आज के जगह पे खड़े रह के, क्योंकि इंडिया में अभी इतनी गंदगी भर गई है, आप सोच भी नहीं सकते, इतने पाप बढ़ गए हैं, इतनी गंदगी, मतलब इंसान वो चीज़ हमें दिखा रहा है। कैसे हम आज फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा, फ़ोन यूज़ करेंगे तो फ़ोन खोलते ही आपको सारी गंदगी दिखाई देगी। आजकल के बच्चे जो कोरोना के वजह से लॉकडाउन के बाद सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते हैं, उनको फ़ोन चाहिए, कैसे फ़ोन यूज़ करें? फ़ोन में इतनी गंदगी, हमारे बच्चों के ऊपर कैसा असर पड़ रहा है, बच्चे क्या सीख रहे हैं? क्योंकि वो फ़ोन खुलते ही हज़ारों ऐसे गंदगी सामने आ जाती है। यूथ, आजकल के यूथ क्या सीख रहे हैं? हम क्या शिक्षा देंगे उनको? उनके आंखों के सामने बहुत चीज़ें आ रही है, उनको दिखाई पड़ रहा है। तो आइए हम प्रेयर करें परमेश्वर इस हिंदुस्तान को, हमारे भारत को बचाए ऐसे चीज़ों से। जो लोग ऐसे करते हैं, लोगों को दिखाते पैसे कमाने के लिए, अभी फेसबुक हो गए, फेसबुक पेज, यूट्यूब, ये सारी चीज़ों में लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ दिखा के पैसे कमाओ। क्यों आप गंदगी दिखा रहे हो? क्यों आपकी खुद की इज्जत को उछाल रहे हो दुनिया के सामने? तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके मनों को बदल दे, कि वो ऐसी चीज़ें जो ढका हुआ होना चाहिए वो सबके सामने ना खुल जाए। आइए हम प्रेयर करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरा महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरा पिता, मेरा सर्वशक्तिमान, मेरा जिंदा खुदा, प्रभु तेरा धन्यवाद देती हूँ कि आज का इस दिन को दिखाया, इस समय दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। तेरे चरणों में प्रभु पूरे इंडिया को रखती हूँ, हाँ प्रभु, ये भारत प्रभु जो तूने बनाया है प्रभु, कितना सुंदर बनाया है, लेकिन प्रभु जो गंदगी इस भारत में हो रहा है प्रभु, हमारे देश में प्रभु, जो लोग ये गंदगी फैला रहे प्रभु, उनके मन में बात कर प्रभु, वो अपने आप को सुधार ले, हाँ प्रभु, वो ऐसी चीज़ें पैसे के लिए ना करे प्रभु। वो दो दिन तो पैसे के लिए करेंगे, लेकिन उनके मनों की शांति कैसे मिलेगी? वो आप अपने आप को सुधार ले प्रभु, तू उनके मनों में बात कर प्रभु। हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, क्या उनका फ्यूचर होगा, हमारे आंखों के सामने क्या आ रहा है, कैसे हम इस पाप से बचे? प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, ये देश के ऊपर अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, और सारी चीज़ों को प्रभु तू ठीक कर दे प्रभु। हम माँ बाप को डर लगता है, बच्चों को कैसे बाहर निकाले, कभी कुछ ना हो जाए, कभी उनका रेप हो जाता है, कभी उनको मार डालते दुश्मनी के लिए, कभी कुछ। हे प्रभु तू संभाल ले प्रभु हमारे देश को,
प्रभु तूने इतना सुंदर ये देश बनाया, लेकिन प्रभु इस दुनिया में लोग प्रभु वो गंदगी फैला के प्रभु, हाँ प्रभु देश में पाप बढ़ रहे हैं प्रभु, तू दया कर इस पाप को तू दूर कर प्रभु, और देश में प्रभु तेरा शांति हो। हाँ प्रभु इस सुंदर देश प्रभु तूने दिया है प्रभु, हम सब मिलके इसको संभाल के रखे प्रभु, तू दया कर प्रभु। धन्यवाद देते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। क्योंकि ये देश हमारा है, हम अगर इस देश को ना अच्छा रखें तो फिर दूसरे तो करेंगे, हम खुद को पहले अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करें। हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को, परमेश्वर इस देश के ऊपर अनुग्रह करें, यही चाहती हूँ, यही प्रार्थना है। आइए हम सेकंड प्रेयर में चलते हैं। हमारे देश के या पूरे भारत पूरे वर्ल्ड के जितने भी डॉक्टर हैं, इंडिया हो दूसरे देशों में जितने भी डॉक्टर हैं, सबके लिए हम प्रेयर करें। डॉक्टर को और भी ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर, डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए डॉक्टर को भी बहुत सारी आशीष की ज़रूरत है, प्रेयर की ज़रूरत है, क्योंकि वो अच्छा रहेंगे तो हम भी अच्छा रहेंगे। वो मेहनत करते हैं, कोरोना में बहुत सारे डॉक्टरों ने बहुत मदद की है, तो और भी उनको ज्ञान और बुद्धि मिले, हम सारे डॉक्टरों के लिए प्रेयर करेंगे। चलिए हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु तूने इस दुनिया में प्रभु डॉक्टरों को भेजा है, हाँ प्रभु तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, इसलिए प्रभु तूने इस दुनिया में डॉक्टरों को बनाया है प्रभु, जो प्रभु सारे लोगों में प्रभु काम कर सके प्रभु, उनकी उनको ज्ञान और बुद्धि और भी दे कि और भी वो आगे बढ़ सके, सारे लोगों की हेल्प कर सके। तू उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। हाँ प्रभु सारे डॉक्टरों को तू संभाल के रख, उनके परिवार को संभाल के रख प्रभु, तू दया कर प्रभु। कितनी मुश्किलों के साथ वो लड़ते हैं, उनके मनों में बात कर प्रभु। सारे डॉक्टर प्रभु सब लोगों में काम कर, उनको ठीक कर सकते प्रभु, तूने उनको उनको बनाया है, तेरा धन्यवाद देती हूँ। सारी डॉक्टरों को तेरे चरणों में रख के ये छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे रोगों से हमारी बीमारियों से वो ठीक कर देते हैं, तो हमें डॉक्टरों के लिए प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि हमें सर्दी हो जुकाम हो कोई बीमारी हो बहुत बड़ी, हम दौड़ के जाते हैं डॉक्टरों के पास, डॉक्टरों के ऊपर हमारा पूरा विश्वास होता है कि वो हमें ठीक कर देता है, तो इसलिए हम डॉक्टर के लिए हमेशा प्रेयर करना चाहिए कि उनको और भी परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे कि और भी वो ऊँचा बढ़ सके। तो चलिए हम थर्ड प्रेयर में जाएंगे। थर्ड प्रेयर है कि इस दुनिया में या ज़्यादातर भारत में बहुत ज़्यादा नशा करने वाले हैं, नशे में सारा परिवार ख़त्म होता है, नशे में खुद का शरीर खराब हो रहा है, मर जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी नशा करना नहीं छोड़ते, बच्चे भूखे रह जाते, परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। हम परमेश्वर से प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर उन सबको पूरी तरह से मन फिरा दे कि वो नशा ना करे, अपना परिवार का पेट भर सके,
बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, खुद का ध्यान रख सकते हैं। चलिए हम प्रेयर करते हैं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देती हूँ मेरा जिंदा खुदा, तेरा धन्यवाद देती हूँ। तू महान है, तू पवित्र है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है। तू प्रभु तेरे चरणों में प्रभु जितने भी नशा करते हैं, हाँ प्रभु कोई भी नशा प्रभु सबके मनों में तू बात कर प्रभु, कि पूरी तरह वो नशे की नशा उनके जीवन से दूर हो जाए, वो अपने परिवार को टाइम दे सके, अपने बच्चों से प्यार कर सके, अपने परिवार का पेट पाल सके। नशा हमारे भारत को खत्म कर रहा है, छोटे से लेके बड़े तक सारा प्रभु इस नशे के हाथ में है। प्रभु तू दया कर, सारी नशे की आदत जो जो नशा करते उनके जीवन से दूर हो जाए। हाँ प्रभु, हाँ परमेश्वर तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू दया कर प्रभु। कितने घर टूट जाते हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, प्रभु तू दया कर प्रभु, ये नशा तू दूर कर प्रभु। धन्यवाद देती प्रभु, तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। ये मेरा परमेश्वर, सच में मेरा परमेश्वर इतना महान है, हर चीजों में सबको वो आशीष दे, क्योंकि ये नशा हमारे जीवन को खत्म कर देता है, हमारे शरीर को खत्म कर देता है। जो नशा करते हो सोचते कितना भी अच्छा है वो, लेकिन वो आपके जीवन को थोड़ा 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 करके वो खत्म कर रहा है। नशा जो भी करता है वो इस नशे से बच जाए, इस नशे के हाथ में ना लग जाए। आप सबसे विनती है, प्लीज जो भी नशा करते हो वो नशा ना करो। नशा हमारे जीवन को ख़त्म कर देता है, हमारे परिवार को ख़त्म कर देता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो प्लीज़ आपके पास हाथ जोड़ के कि आप लोग नशा ना करो। आइए हम चौथा प्रेयर में जाएंगे, फोर्थ प्रेयर है। जितने भी ओल्ड बुजुर्ग हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, उम्र हो गई है, उनको परमेश्वर संभाल के रखे। इस उम्र में बहुत सारी ऐसे हैं कि बच्चे माँ बाप को नहीं देखते हैं, बहुत सारे रस्ते में जिनके बच्चे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे ही नहीं होते, हम रस्ते में देखते हैं। तो परमेश्वर उनको संभाल के रखे, इस उम्र में उनको संभाल के रखे। आइए हम प्रेयर करते हैं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरा जिंदा खुदा, तेरा धन्यवाद देती हूँ। तेरे चरणों में प्रभु जितने भी बुजुर्ग हैं प्रभु, जिनकी उम्र हो गई है प्रभु, कोई संभालने वाला नहीं है, बच्चे नहीं देखते हैं, या फिर जिनके बच्चे नहीं होते हैं, प्रभु सबको तू संभाल के रख प्रभु। जो बच्चे नहीं देखते, बच्चों को मन में बात कर कि अपने माँ बाप को देख सके, संभाल के रख सके प्रभु, सबको तू संभाल प्रभु, दया कर इस उम्र में प्रभु तू संभाल के रख प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ सबको तू प्रभु, आशीष कर प्रभु, तेरा दया वाला हाथ उनके सिरों पे रख प्रभु। धन्यवाद हो तेरे नाम की, तू दया करने वाला परमेश्वर है, धन्यवाद देती हूँ। जितने भी प्रेयर किए प्रभु सब में तू आशीष कर प्रभु, दया कर प्रभु, सारी प्रार्थनाओं को तू सुन और उत्तर दे प्रभु। धन्यवाद हो तेरे नाम की, धन्यवाद। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। तो धन्यवाद देती हूँ कि मेरी प्रेयर को आप सुनते हो, और परमेश्वर आप सबको जो भी
ये वीडियो ये प्रेयर देखेंगे, सबको परमेश्वर आशीष दे। और हो सके तो आप लोग इसको शेयर भी करना, और प्लीज़ इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताना आपको अगर कोई प्रेयर चाहिए तो मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी आप वीडियो में ही आके। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको अगर प्रेयर चाहिए तो कमेंट्स में आप लिखो, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की वीडियो इतना सा ही। आप लोग खुद का ध्यान रखना, खुद से प्यार करना, सबसे प्यार करना, और नशे से दूर रहना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।